हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट बिजली वाला में स्वागत है। आज हम बताएंगे आप लोगों को कि 0 to 10 जो डिमेबल ऑटोमेशन की वायरिंग होती है हमारी साइडों पे, वो कैसे होती है, उसमें कैसे कैसे सर्किट डालने पड़ते हैं, क्या क्या डालना पड़ता है, किस किस कलर की वायर हम यूज कर सकते हैं, वो बताते हैं कि कैसे वायरिंग होती है। हम जहाँ से हमारी लाइटिंग लगी है, लाइटें लगती हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हमारे जो ट्रैप डोर बनता है, उस ट्रैप डोर जहाँ पे हमारी लोकेशन दिखाते हैं, जहाँ पे हमारे ड्राइवर्स रखे जाते हैं, जहाँ पे हमारी 220 वोल्टेज आती है, उसके बाद हमारे ड्राइवर्स में आउटपुट निकल के 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट जो भी वोल्ट निकलती है, वो लाइटों के पास हमारी पहुँचती है। तो हम बताएंगे आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो ये हमारा रूम है, जैसे कि ये हमारी लाइटें हैं, दो लाइट ये हैं और ये दो तीन वॉल वॉशर हैं, ये अलग तीन लाइटें अलग हैं, और ये भी तीन लाइट हैं, और ये तीन लाइट, और ये दो लाइट, और वो दो लाइट, और ये दो लाइट। तो हमारा क्या हो रखा है, हमारा इन दोनों लाइटों का सर्किट जो हमारी ड्राइवर के पास जाएगी तारें, वो भी सेपरेट जाएंगी, और इन द सारी लाइटों की यानी कि सेपरेट वायरिंग जाएगी। जितनी भी लाइटें हैं उनकी सारी, जैसे यहाँ से हमने क्या किया है, हमारी एक लाइट से हमने दो बार उठाते हैं किसी भी कलर, एक रेड या ब्लैक, रेड ब्लैक या येलो या ब्लैक ब्लू, इन तीनों में से कोई भी कलर आप उठा सकते हो। ब्लैक हर वायर के साथ एक ब्लैक वायर होगी। तो हमने यहाँ से, जैसे ये हमने हमारे तीनों एक ही कलर की वायर हैं, तो इनकी एक कलर हमने उठा लिया, इसमें से रेड कलर उठाया, रेड प्लस ब्लैक और रेड प्लस ब्लैक सारी वायरें उठा के यहाँ से क्या, हमने ये दो लाइटें हैं तो इन दोनों लाइन में हमने येलो यूज किया है। जो येलो है वो येलो के साथ हमने ब्लैक लिया है, एक येलो और एक ब्लैक यहाँ से लिया है, और एक येलो एक ब्लैक यहाँ से लिया है। ऐसे ही सेम इसमें हमने ब्लू कर दिया है, एक ब्लू ब्लैक यहाँ से, एक ब्लू ब्लैक यहाँ से, एक ब्लू ब्लैक यहाँ से। तो ऐसे ही समझाने के तौर पे हर एक लाइट से, पर लाइट से हमारी दो वायर जाएंगी, एक ब्लैक जाएगी और उसके साथ एक कलर वायर जाएगी। और वहाँ से आते हुए ये हमारा ट्रैप डोर है, ये हमारी टॉयलेट है, और टॉयलेट में हमारा ट्रैप डोर बना होता है, ज़्यादातर रूम में ट्रैप डोर नहीं बनाते हैं, जहाँ पे हमारे ड्राइवर्स रखे जाते हैं। इसमें कई सारे ट्रैप डोर्स हैं हमारे, एक ट्रैप डोर ये है, एक ट्रैप डोर वह है, लेकिन मैं एक के बारे में ही बताऊंगा आपको। ये हमारा ट्रैप डोर, इसको मैं खोल के बताता हूँ आपको। तो दोस्तों ये हमारा ट्रैप डोर है, उसमें ये हमारी वायर्स आई हुई हैं, कुछ लाइटों से आई हैं और कुछ हमारे सर्किट से आए हुए हैं। तो बताता हूँ कैसे कैसे वायरिंग करनी है। हमारी जो लाइटें बताई थी वहाँ से मैंने दो वायर बोली है आपको, दो वायर लेनी है ओनली, एक ब्लैक और प्लस उसके साथ एक कलर्ड, अपना येलो हो, रेड हो या ब्लैक हो, उसके साथ एक लेनी है ब्लैक के साथ पर लाइट से। तो पर लाइट से आपको यहाँ लेके आ गए हो, ये सारी जो हमारी वायर्स हैं, ये ऊपर जो लगी हुई हैं हमारे ये ड्राइवर्स हैं, तो ये ड्राइवरों में जो ऊपर से लगी हुई हैं वायरें, ये सारी वायर, जैसे दो ये लगी हैं, दो ये लगी हैं और दो ये लगी हैं, ये हर ड्राइवर में दो वायर आपको दिख रही होंगी। तो ये दो वायर जो आई हैं वो हमारी लाइटों से आई हैं, ये आउटपुट हैं ड्राइवरों की और ये हमारा इनपुट है। तो आप लाइटों की, आप समझ गए होंगे कि लाइटों से हमें और हमारे ड्राइवरों तक कैसे सप्लाई पहुँचानी है, कैसे वायरिंग करनी है। तो दो पर लाइट से दो वायर आपको लेके यहाँ आनी है, ड्राइवर में कनेक्शन करने हैं। स्टार्टिंग में ड्राइवर नहीं लगते हैं, आपको दो बार लाके वहाँ पे ट्रैप डोर के पास छोड़ देनी है, छोड़ के रख देनी है जो हमारी ट्रैप डोर की लोकेशन होती है उस पर। उसके बाद फिर चलते हैं हमारा सर्किट जो हमारे डीबी पे जाएगा, ऑटोमेशन डीबी जो हमारी होती है उसके पास जो जाएगा, उसके सर्किट के बारे में बताते हैं आपको। ये हमारा सर्किट है, जो मेन सर्किट है, जो कि 220 वोल्ट आएगी यहाँ पे। ये 220 वोल्ट के सारे जो हमने रेड टेप लगा रखी है, ये हमारे सर्किट्स हैं, ये हमारे सर्किट्स हैं, ये देखो सेट बना रखे हैं मैंने, इसमें फायरिंग कर रखी है नंबरिंग, जिससे हमें पता लगे कि हमारी वायर कौन सी है, कैसी है। आपको तीन का सेट जाना है, ग्रीन, एक ग्रीन वायर डालनी है अर्थिंग, अपनी ग्राउंड अर्थिंग के लिए, एक ब्लैक वायर डालनी है, एक कलर डालनी है आपको येलो ब्लू या रेड, ये सर्किट के साथ। अब क्या करना है कि हमारा एक ड्राइंग मिलती है ऑटोमेशन के वर्क में, हमें जो आर्किटेक्ट हमें ड्राइंग देता है लाइटिंग का, तो वो देता है कि हमें कितनी लाइटें एक सर्किट पर चलानी है। जैसे कि हमें हमारा ये पहला वाला मैं देखता हूँ, एक नंबर सर्किट हमारा है, ये आपको दिखाता हूँ, ये एक नंबर सर्किट है, ये हमारा एक नंबर सर्किट है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसमें लिखा है हमारा पैनल नंबर 1C1, यानी कि जो हमारा वहाँ पे डीबी लगी है, डीबी का एक नंबर है, जो पैनल हमारा एक नंबर है और सर्किट नंबर एक है। तो इस सर्किट के साथ मैंने दो लाइटों को जोड़ा है, इस पर एक सर्किट पे दो लाइटें दिख रही थी,
तो मैंने क्या किया है, इसकी जो हमारी न्यूट्रल वाली वायर है, दोनों इनपुट, दोनों ड्राइवरों की इनपुट है, उनको एक साथ किया है और जो हमारी मेन न्यूट्रल आई उसके साथ कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि दो दो वायर इसमें जाती नहीं है अंदर ड्राइवर में। और जो इसकी अपने फेस वाली वायर है, दोनों ड्राइवरों की मैंने निकाल के और यहाँ पे आके कनेक्ट कर दिया है, ये हमारा मेन फेस हो गया और यहाँ से इसकी इनपुट में कनेक्ट कर दिया, क्योंकि दो दो वायर नहीं जाती इसके अंदर, इसलिए अलग अलग जोड़ रखा है मैंने। तो ये आपकी दो वाली सब जाती है कि एक सर्किट में दो लाइट है, हो गई। उसके बाद अब क्या है कि हमारा 6 नंबर पे ही ऐसी सेम जुड़ा हुआ है, ये भी 6 नंबर है, इस पे भी दो लाइटें पड़ी हुई हैं हमारी, और रह गया 9 नंबर। जैसे ये 9 नंबर है, 9 नंबर, तो इन 9 नंबर पे तीन लाइटें दिखाई हैं हमारी ड्राइंग में। ड्राइंग के हिसाब से आपको चलना है कि कितनी लाइटें, आपको 10 लाइटें भी दिखा सकता है, एक लाइट भी दिखा सकता है, 10 लाइट भी दिखा सकता है। तो आपको देखना है कि, और सर्किट ज़्यादातर डेढ़ में भी आता है क्योंकि लोड ज़्यादा नहीं होता इनका, और फिर ज़्यादा लोड होगा तो उसके लिए अलग डालना पड़ता है हमें। जैसे हमारा कहीं सेंडलर आ रहा है, झूमर आ रहा है, बड़ा है, तो उसके लिए 2.5 mm भी डालना पड़ सकता है, 4 mm भी डालना पड़ सकता है, लोड के हिसाब से करना पड़ता है, वो रिक्वायरमेंट जैसी होती है उससे। अब यहाँ पे हमें उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमारे तो दो तीन तीन वाट की सारी, तीन तीन चार चार, तीन वाट, पाँच वाट, ऐसी सारी लाइटें हैं। तो ये 9 नंबर पर तीन तीन लाइटें दी है, तो तीन लाइट, तीनों को मैंने फेस एक साथ कर दिए हैं तीनों। और ये 9 नंबर सर्किट आ रहा है येलो कलर का हमारा, एक येलो है, एक ग्रीन है और एक ब्लैक है। तो इन तीनों को मैंने क्या किया है, जो हमारी ये ड्राइवरों की 9 नंबर के तीनों लाइटों की जो इनपुट की जो हमारी फेस वाली वायर थी, उनको एक साथ करके जो हमारा मेन फेस है उसके साथ कनेक्ट किया है, और जो न्यूट्रल न्यूट्रल ड्राइवरों की जो न्यूट्रल थी इनपुट वाली तीनों, वो एक साथ लेके, और जो हमारी मेन न्यूट्रल आई है सर्किट वाली उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो हमारी ये एक सर्किट हो गया, सर्किट पे तीन लाइटें हो गई, तीनों ड्राइवर डाल दिया, तीनों लाइटों की वायर यहाँ पे जोड़ दी है। इसी तरह आप 10 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, आप उतने ड्राइवर एक सर्किट पे डाल सकते हो। तो अब यहाँ तक हो गया है, अब क्या करना है, ये तो हमने आपको जो लाइटिंग, जो लाइटों से हमारी वायर आई उसकी उसकी वायर के बारे में बता दिया आपको कैसे करना है वायरिंग। ये हो गया आपका जो सर्किट, डीबी से सर्किट आएगा 220 वोल्टेज का, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको जो कि 0 to 10, ये वाली जो हमने येलो कलर का टेपिंग रख रखी है, लगा दी है मैंने फ्लेक्सिबल पाइप में, जो कि हमें पहचान हो जाए हमारी कि ये हमारी 0 to 10 है और ये हमारा सर्किट है, ये हमारी उसकी है, इसकी पहचान के लिए मैंने टेपिंग कर रखी है। आप भी इसी तरीके से काम करें, और ड्राइवर की देख लो मैंने फिनिशिंग कैसे कर रखी है, आपको एक एक ड्राइवर वायरों के साथ उलझाना नहीं है, इसी तरह फिनिशिंग से काम करना है, साइड वो जो आपको काम करने हो, आपको भी प्रॉब्लम ना हो और फॉल्ट होने का चांस ना रहे। ये वायरें हमारी 0 to 10 की हैं, डिमेबल जो सर्किट होता है उसकी, जो डीबी से आएंगी सर्किट के साथ आएंगी आपकी, सर्किट का पाइप अलग आएगा, जो कंड्यूट है वो सर्किट का कंड्यूट अलग आएगा, आपका 0 to 10 का कंड्यूट अलग आएगा। आप चाहें तो ऐसे भी वायरिंग कर सकते हैं जैसे मैंने की है, और नहीं तो आप सर्किट का कलर अलग और इसका जो 0 to 10 है उसका ग्रे कलर ले लें, वाइट कलर ले लें, तो इस तरह के कलर लेके चलें जो कि हमारा उससे मैच ना खाता हो, जो हमारे सर्किट आ रहे हैं उससे स्पेशल पता लग जाएगा कि ये हमारी 0 to 10 है। लेकिन मैंने मंगाई थी लेकिन यहाँ पे नहीं आई है, सब वाले ने नहीं भेजी है, तो इस वजह से मैंने तो अपना ब्लू कलर और रेड कलर, ब्लू प्लस रेड, रेड रेड प्लस ब्लू, येलो प्लस ब्लू, ऐसे करके बना रखे हैं ये। तो जो 0 to 10 की सर्किट के साथ आता है तो उसको दो वायर आती है हमारी डिमेबल के लिए, 0 to 10 के लिए, पर सर्किट के साथ आपको वैसे ही करना है जैसे कि आपने सर्किट जोड़े थे, जैसे तीन लाइटें थी वहाँ पे, ये तीनों लाइट के साथ, जैसे एक नंबर हमारा ये 0 to 10 एक नंबर सर्किट के साथ आएगा, तो वही फेरुलिंग नंबर इसमें भी होगी, जो सर्किट के साथ फेरुलिंग हुई थी वही नंबरिंग इस पर होगी, और उसी लाइटों पर ये भी जुड़ेगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो आउटपुट है ना, आउटपुट के साथ ये डिमेबल डिम, इसमें लिखा होता है डिमेबल माइनस डिमेबल प्लस, तो जैसे मैंने ये ब्लू और येलो डाल रखा है, तो ब्लू को हम माइनस बनाएंगे, येलो को बनाएंगे प्लस, ऐसे ही सेम इसको, जैसे ये रेड है, ये रेड और ब्लू है, तो हम ब्लू को माइनस बनाएंगे और इसको ब्लैक, वो रेड को बनाएंगे प्लस। तो सेम ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, हम तीनों लाइटों को एक सर्किट पे डालेंगे, ये हमारा एक सर्किट आ रहा है, तीनों लाइटों को एक सर्किट पे डालेंगे, दो लाइटें हैं तो दोनों लाइटों को एक इसी पे डालेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो हमारी लाइटें हैं वहाँ से सेपरेट लेके आना है, आपको सीधा यहाँ पे लेके आना है, ड्राइवर की लोकेशन जहाँ पे दिखाई है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्रैप डोर हो, कहीं भी लोकेशन दिखा सकता है, आपका जो आर्किटेक्ट है, आपका साइट का सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, जो भी आपको बताए उस लोकेशन पे, आपको वहाँ पे जितनी भी लाइटें हैं पर लाइट से सेपरेट वायर आपको छोड़नी है, दो वायर। उसके बाद उसी लोकेशन से जो डीबी की लोकेशन है हमारी, वहाँ तक दो वायर आपका 0 to 10 और तीन वायर आपकी सर्किट की, तो ये 5 तारें आपकी डीबी की डीपी लोकेशन से ड्राइवर लोकेशन तक जाएंगी। तो इस तरह वायरिंग करनी है। हमने क्या किया, जो सर्किट वाली आपको दिखाते चल के, तो ये सर्किट वाली वायर और प्लस ये 0 to 10 की वायर, यानी कि हमारा जैसे एक सर्किट
ये हमारा एक सर्किट हो गया, एक और दिखाता हूँ, उलझी पड़ी है थोड़ा, ये दिखाता हूँ इस साइड में। तो ये मेरा सर्किट हो गया थ्री वायर का, और ये टू वायर का मेरा 0 to 10 हो गया। तो ये पांच तार आएंगी एक सर्किट के साथ, 0 to 10 की दो वायर, और ये अपना सर्किट आ जाएगा जो जिसमें 220 आ जाएगा, ये डिमेबल आपकी आएगी लाइट वायर है। तो इस तरह वायरिंग आपको 0 to 10 की करनी है। ये दिखाता हूँ मैं, वहाँ भी चल के दिखाता हूँ, मेरा सारा कंड्यूट अपने अलग अलग है, देखना आप यहाँ से ही देख सकते हो, ये मेरे 0 to 10 की 0 to 10 डिमेबल पाइप अलग है और सर्किट का पाइप अलग है हमारे। इसमें बहुत सारी वायर है, मैंने ऊपर अभी रख रखी है, बहुत सारा वायर्स पड़ी ऊपर, इसलिए आपको समझ में ना आए इसलिए मैंने थोड़ी वायर उतारी है। आपको चलता हूँ, देखो ये जो मैंने यहाँ दिखाई है आपको 0 to 10 और सर्किट, ये हमारी डीवी लोकेशन तक मैं दिखाता हूँ, चल के आ जाओ जरा। तो देखो भाइयों, ये हमारे डीवी हैं जो ऑटोमेशन डीवी, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हैं, जो ये पैनल भी बोल सकते हो इनको, पैनल नंबर हमने पैनलिंग हमें ड्राइंग जो मिला है वो पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3, तो इस तरह मिला है, और हम तो अपने देसी भाषा में इसे डीवी बोलते हैं। तो ये हमारी ऑटोमेशन डीवी है। तो वहाँ से जो सर्किट आए हैं, तो मैं अभी नंबरिंग नहीं देख रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वायरिंग करनी है ओनली। जो वहाँ थ्री वायर आई हैं वो हमारा सर्किट वाला पाइप ये है, तो इसमें हम कोई भी वायर पकड़ लेता हूँ, कोई भी एक सर्किट पकड़ लिया, जैसे मैंने ये पकड़ लिया, इसके साथ मैंने मेरा एक रेड आया है, एक ब्लैक आया है और एक ग्रीन आया है। वहाँ से उस ट्रैपडोर से, उस रूम से, रूम में आपका ट्रैपडोर हो या टॉयलेट के अंदर, हमारे सारे टॉयलेट के अंदर ही हमारे ट्रैपडोर हैं या गैलरी में हमारे ट्रैपडोर हैं। तो अपनी थ्री वायर का ये हमारा सर्किट मेन सर्किट होगा जिसमें 220 वोल्टेज आएगी। ये हमारा 0 to 10 है डिमेबल, तो इसको हम एक बार, इसमें हमारा सारा आपस में कनेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा, ये भी हमारा डिमेबल है। तो जैसे कि ये दो वायरें आई हैं हमारी, और ये आई हैं सर्किट की वायर, तो ये तीन वायर और दो वायर मिला के ये एक सर्किट पूरा कंप्लीट सर्किट होता है। लेकिन ये इसका पाइप हमेशा आपको अलग रखना है और इसको पाइप अलग रखना है। इसका हो सके तो आपको इसका कलर भी ऐसा रखना है जो कि इससे मैच खाता ना हुआ, ग्रे कलर और वाइट कलर बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से, तो मैंने वही मंगाया था लेकिन हमारा आया नहीं है, तो इस वजह से मुझे ये डालनी पड़ी है। लेकिन बेस्ट आपको वही रहेगा जो आपको, अब इसका और इसका जो फेरुलिंग होगी वो सेम होगी, इसमें जो फेरुल पड़ेगा वो इसमें पड़ेगा आपके जो सर्किट के साथ आएगा, और लाइट आपको उतनी डालनी है जितना आपकी ड्राइंग में दिखाया है। को मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है कि ऐसे वायरिंग करनी है, आपको फिर दोबारा से कमरे एक तरह से बता देता हूँ मैं आपको। लाइटिंग से सिर्फ दो वायर लेके आनी है जो कि हमारा ट्रैपडोर लोकेशन है वहाँ पे छोड़नी है, और जो ट्रैपडोर लोकेशन है और हमारा डीवी लोकेशन है जहाँ पर, उस लोकेशन तक 5 वायर ले जानी है, 2 आपको 0 to 10 की ले जानी है जिसे प्लस माइनस भी बोल सकते हैं आप, जो डिमेबल वायर होती है उसकी 2 वायर होती हैं, और 220 वोल्ट का एक सर्किट होता है अपना, एक ग्राउंड अर्थिंग के लिए, एक न्यूट्रल के लिए और एक फेस के लिए। तो ये तीन वायर आपकी मेन सर्किट के लिए हो जाएंगी, 2 डिमेबल के लिए हो जाएंगी, जो कि आपकी जो ट्रैपडोर है, ड्राइवर लोकेशन से लेकर डीवी लोकेशन तक आपको 5 वायर लेके जानी है, 5। तो ये 5 वायर आपको ट्रैपडोर लोकेशन, ड्राइवर लोकेशन से डीवी लोकेशन है जहाँ पे, वहाँ पे आपको वायर छोड़नी है। और हमेशा ध्यान रखें थोड़ी लंबी वायर छोड़ें, क्योंकि हमेशा आपके आर्किटेक्ट का पता नहीं रहता कि ट्रैपडोर यहाँ से हटाओ वहाँ हो जाओ, कभी चेंज भी हो सकता है, हमारा ऐसा बहुत हुआ है, ऐसा होता है, अक्सर होता है। तो वायर को हमेशा बड़ी रखें क्योंकि जॉइंट लगाना अच्छा नहीं रहता है, कभी भी जॉइंट ना लगाएं, वायर को चेंज कर दें लेकिन जॉइंट ना लगाएं। तो दोस्तों, आप लोगों को यदि वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, और मेरा तो यही कहना है कि आप मेरी सारी वीडियो देखें, बहुत अच्छी नॉलेज देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो कि आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मेरी और भी वीडियो देखने के लिए मैंने प्लेलिस्ट अपनी आगे दे रखी, एंड लिस्ट में दे रखी है आपको, एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन है वहाँ पे भी आपको जो मैंने ड्राइवर कैसे लगाते हैं, उसके कनेक्शन कैसे करते हैं, उस तरह की सारी लोकेशन बता रखी है आपको, और आपको ये फिनिशिंग के बारे में भी बता रखा है, ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।